अब हम बात करते हैं समुच्चय बोधक शब्द के बारे में, जिन्हें संयोजक शब्द भी कहा जाता है। तो आइए इनके बारे में हम विस्तार से जानते हैं। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं इसकी परिभाषा के साथ। दो शब्दों या वाक्यों को जोड़ने वाले संयोजक शब्द को समुच्चय बोधक कहते हैं। यानी कि परिभाषा एकदम सिंपल सा है इसका, कि दो शब्दों को आपस में जोड़ा जाएगा या फिर दो वाक्यों को आपस में जोड़ा जाएगा, तो ऐसे शब्दों को संयोजक शब्द या समुच्चय बोधक शब्द कहा जाता है। थोड़ा डिटेल से जानकर के इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। जिन शब्दों की वजह से दो या दो से ज़्यादा वाक्य, शब्द या वाक्यांश जुड़ते हैं, उन्हें समुच्चय बोधक कहा जाता है। जहाँ पर, तब, ध्यान देंगे इन शब्दों को, ये उदाहरण के अंतर्गत है, और, वरना, किंतु, परंतु, इसलिए, बल्कि, इस तरीके से जो शब्द आते हैं यही शब्द हैं समुच्चय बोधक के उदाहरण। ताकि, क्योंकि, या, अथवा, एवं, तथा, अन्यथा, आदि, इस तरीके से जो शब्द यदि वाक्य के बीच में आ जाए या फिर दो शब्दों के बीच में आ जाए, तो यही जो शब्द है यही शब्द होता है समुच्चय बोधक का उदाहरण। समुच्चय बोधक शब्दों को योजक शब्द भी कहा जाता है। परीक्षा में आ जाए कि पूछ सकता है कि योजक शब्द किसे कहते हैं, तो वहाँ पे समुच्चय बोधक अव्यय का नाम ले देना कि यही योजक शब्द होता है। ये उदाहरण है जिनको हमने अभी कुछ देर पहले ही देखा है, आप इन्हें याद कर लें जिससे कि आपको आसानी होगी। अब हम वाक्य प्रयोग देखते हैं, जैसे कि आयुष ने कड़ी मेहनत की और सफल हुआ। इसमें इन दोनों को जोड़ने वाला शब्द कौन सा है? और के जरिए इन दोनों को आपस में जोड़ दिया गया है। वैसे ही हम देखें, उषा बहुत तेज दौड़ी लेकिन प्रथम नहीं आ सकी। लेकिन शब्द के कारण इन दोनों वाक्यों को अलग अलग कर दिया गया है। बेशक उसने पैसा बहुत कमाया, परंतु रहा तो कंजूस। दोनों वाक्यों को अलग करने का काम कौन सा शब्द कर रहा है? परंतु शब्द कर रहा है। तुम सभी वहां जा सकते हो किंतु मैं नहीं। और यहाँ पे विकास और तुषार बहुत अच्छे दोस्त हैं। तो इस तरीके से जो शब्द होते हैं, जो वाक्यों को या शब्दों को दो अलग अलग भागों में बांट देते हैं, उन्हें समुच्चय बोधक अव्यय कहा जाता है। आइए अब हम जानते हैं कि समुच्चय बोधक के प्रकार कितने होते हैं। पहला है हमारा समानाधिकरण समुच्चय बोधक, और दूसरा है हमारा व्यधिकरण समुच्चय बोधक। तो इस तरीके से समुच्चय बोधक दो प्रकार के होते हैं। आइए इनके बारे में थोड़ा सा डिटेल से इनके प्रकार वगैरह के नाम को देख लेते हैं। ज़्यादा डिटेल से नहीं देखेंगे क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती है। तो समानाधिकरण समुच्चय बोधक जो होता है छह प्रकार के होते हैं, जिनमें पहला है हमारा संयोजक समानाधिकरण, दूसरा है हमारा विभाजक समानाधिकरण, तीसरा है हमारा विकल्प सूचक समानाधिकरण, चौथा है हमारा विरोध दर्शक समानाधिकरण, पांचवा है हमारा परिणाम दर्शक समानाधिकरण, छठवा है हमारा वियोजक समानाधिकरण। तो इस तरीके से जो समानाधिकरण हैं ये समुच्चय बोधक के अंतर्गत आते हैं और ये कुल छह प्रकार के होते हैं। अब हम अगला जानेंगे कि व्याधिकरण क्या है और ये कितने प्रकार के होते हैं। तो जो हमारा व्याधिकरण समुच्चय बोधक है, इसको कह सकते हैं कि जिन शब्दों से किसी वाक्य के प्रधान से आश्रित उपवाक्य को परस्पर जोड़ते हैं, उन्हें व्याधिकरण समुच्चय बोधक कहते हैं। ये तो हो गई परिभाषा। परिभाषा याद करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये बहुत डीपली चीज है। आइए हम इसका प्रकार समझ लेते हैं। तो व्याधिकरण समुच्चय बोधक चार प्रकार के होते हैं, जिसमें हमारा पहला है कारण सूचक व्याधिकरण, दूसरा है हमारा संकेत सूचक व्याधिकरण, तीसरा है हमारा उद्देश्य सूचक व्याधिकरण, और चौथा है स्वरूप सूचक व्याधिकरण। तो इस तरीके से व्याधिकरण जो होता है वह हमारा चार प्रकार का होता है। तो मैंने आपको इस वीडियो के जरिए समुच्चय बोधक को समझाने की कोशिश की है। समुच्चय बोधक को कंजक्शन भी कहा जाता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी मन में यदि कुछ डाउट या सवाल हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप हमसे पूछ सकते हैं।
मेरा नाम प्रमोद शर्मा है और मैं आपके लिए एजुकेशन से संबंधित वीडियो बनाते रहता हूँ। इसलिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको एजुकेशन से रिलेटेड नॉलेज मिलते रहें।